तो आपको काइनमास्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है, जो आपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। तो वीडियो को लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है, वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, तो मैं सिंपल से एक कलर सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद इसे हमें फुल स्क्रीन कर देना है, इस पर क्लिक करना है, इसे हमें फुल साइज तक कर देना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्ले कर देना है। इस फिर से हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कलर एडजस्टमेंट पे आना है, यहाँ पे आपको कलर जो है अपने हिसाब से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर देना है। हमारा वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल मिलता रहता है। तो हमारा वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, तो फिर से हम इसे बैक कर लेते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने एक्सपोर्ट किए थे वीडियो को, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल इस फिर से हमें वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है, कलर की पे आना है और आपको यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ से सही तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। आपका बॉडी का पार्ट जो है वाइट होना चाहिए और बाकी पार्ट जो भी है ब्लैक होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एडजस्ट आपको हिसाब से कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। इस पर फिर से हमें क्लिक करना है और इसे हमें इस तरह से जूम कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे वीडियो तैयार हो चुका है। इसके बाद करना क्या है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है।